162 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन के साथ एक युवक गिरफ्तार। बड़ी घटना को देने वाला था अंजाम। किशनगंज थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अजमेर लोकसभा उपचुनाव के दौरान चलाए जा रहे सुरक्षा अभियान के तहत किशनगंज थाना पुलिस ने 162 जिंदा कारतूस और मैगजीन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। रियाजुद्दीन उर्फ राजा अजमेर कोटरा का ही निवासी है। मुखबिर की सूचना पर राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा बताया गया कि राजा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। आज रात्रि को लोकसभा उपचुनाव मतगणना के दौरान लगी हुई ड्यूटी के दौरान मुखबिर खान से सूचना मिलने पर अभियुक्त रियाजुद्दीन राजा के कब्जे से 162 जिंदा कारतूस जो विभिन्न हथियारों के हैं और लोहे निर्मित 13 छोटी बड़ी मैगजीन 11 जोड़ी पिस्टल के हैंडग्रिप जब्त किए गए उनके कब्जे से। नहीं अभी तक नहीं हुई है, तफ्तीश जा रही है। कहाँ से गिरफ्तार किया? रीजनल कॉलेज के पास। क्या क्यों पूछताछ लोग सामने आए, क्यों कोई वारदात करने वाला था? पूछताछ भी जारी है, इसमें जिस अनुसंधान में सामने आएगा अभी और रिमांड लिया जाएगा। रिमांड लिया जाएगा। कहाँ का रहने वाला है सर? ये कोटरा का। क्या नाम? नाम बताओ। रियाजुद्दीन उर्फ राजा। ठीक है, हटा दो माइक।